आपके दिमाग में चलने वाली विचारों की जो उलझन है वो यदि शांत करना है तो मैं बोलता हूँ ये आप 5 चीजें करो, डेफिनेटली आपका मन शांत हो जाएगा। तो वो चीजें कौन सी, क्या होता है कि बहुत बार बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, ये करूं कि वो करूं, ये करूंगा तो अच्छा रहेगा, वो करूंगा तो अच्छा रहेगा क्या, मतलब इस तरह का रहता है। फिर हम लोगों को पूछते रहते हैं मैं क्या करूं, मैं ये काम करूंगा क्या, वो काम, फिर इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये मेरा इंटेंशन था वो फुलफिल नहीं हुआ, ये मेरी अपेक्षा थी वो फुलफिल नहीं हुई, फिर मुझे उसको वो बोलना था वो मैंने नहीं किया, मुझे तो बिजनेस में लॉस आ रहा है, मैंने ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था, मतलब काफी सारी बातें दिमाग में चलती रहेंगी और दिमाग उलझा हुआ रहेगा। फिर उसमें से यदि बाहर आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, नंबर एक, पहले सबसे पहले क्या होता है कि जब जब दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस आता है ना तो अपनी सेहत के ऊपर उसका परिणाम होता है। पहले ये देखना है कि आपकी सेहत जो है वो बेस्ट रहने के लिए खाना पीना और एक्सरसाइज करना, कसरत कवायद करना बहुत जरूरी है। यदि आप आपकी सेहत यदि बहुत अच्छी मेंटेन करते हो तो कितना भी टेंशन स्ट्रेस आ गया तो उसका परिणाम आपके ऊपर होगा नहीं, आपके दिमाग के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर होगा नहीं। तो आपको हरदम ये देखना है कि मेरी सेहत कैसी रहेगी, इसलिए हरदम आपका जो खाना पीना जो है वो टाइम टाइम पे कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं और आप इस तरह से मतलब जीवन जी रहे कि समझो सोना ठीक है, टाइम टाइम पे सोने का है और एकदम एक्सरसाइज वगैरह करके एकदम फिट रह रहे, नंबर एक। नंबर दो जो है आपने देखना है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं या सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं, आत्म सुझाव आत्म सूचना देके स्व सम्मोहन कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें दिमाग बहुत शांत हो जाता है, कितना भी टेंशन रहे, कितनी भी धमधुम रहे, कितना भी स्ट्रेस स्ट्रेन रहे, तभी भी आप जो 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक जो स्व सम्मोहन करते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं, तो वो लोग कोई भी परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। नंबर तीन, देखिए कि आपके यदि गोल्स आपके हैं तो आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है और फिर वो रास्ते से आप जाएंगे, फिर उलझन नहीं आएगी। तो एक जन मेरे पास में आया, वो पूछ रहा था कि भाई मैं बहुत उलझन में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, मेरी लाइफ जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। तो मैंने बोला ठीक है तू ऐसा कर, तेरे गोल्स की लिस्ट ला, तेरे कौन से गोल्स है जरा बताओ। बोले मेरे पास में नहीं है। मैंने ठीक है आपके पास में अभी नहीं होंगे, आपके बैग में होंगे तो निकाल, बैग में से निकाल। बोले बैग में भी नहीं है। मैंने ठीक है आपके कार में होंगे या आपके डिक्की में होंगे आपके बाइक के, तो वहां से ले लो जल्दी फटाफट ला लो। बोले नहीं वहां भी नहीं। बोले ठीक है आपके घर पे होंगे तो घर से ला लो गोल की लिस्ट, हम देख लेंगे कि गोल्स आपके क्या क्या। बोले घर पे भी नहीं है। देखिए कि गोल्स ही नहीं है मतलब जाना कहाँ लाइफ में ये मालूम नहीं है तो फिर उलझन होना स्वाभाविक है, गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, पता ही लगता नहीं कि क्या करो क्योंकि हम भागते रहते हैं फिर मालूम होता है कि हम फालतू भाग रहे थे, वहां तो हमको जाना ही नहीं था। तो ये है कि भाई आपने बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ न करते हुए एकदम फोकस आप रहते हैं जब आपके पास में गोल्स होते हैं। तो फिर चौथा, लोगों के पास में आप लोगों से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, अपेक्षा रखते हो कि ऐसा होना चाहिए, सिर्फ लोग नहीं परिस्थिति से भी, लोगों से भी, गवर्नमेंट से, वातावरण से अपेक्षा। तो अपेक्षा जब 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 रहती है ना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी क्या करना। तो अपेक्षा विरहित जीवन यदि आप जीते हैं तो बहुत बेस्ट है, वो बेहतरीन है, क्योंकि जब आपका अपेक्षा जो मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल होती नहीं है तो फिर आपका बहुत गड़बड़ी दिमाग में होंगे, बहुत उलझाओगे आप, या फिर बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गर्मा गर्मी रहेंगे, मतलब टेम्पर लूज कर देंगे और प्रॉब्लम आ जाएगा। वैसे जो है वो अनडिलीवर्ड गुस्सा आ गया या किसको कुछ बोलना है तो हम बोलते भी नहीं है, तो आप वो देखते हैं कि भाई मेरा बोलना मेरे को बोलना तो मैंने रोक के नहीं रखा हुआ है, मैं लोगों से साफ आ रहा हूँ, लोगों को जो भी बोलना है वो क्लियर कट बोल रहा हूँ। तो जो भी है वो कम्युनिकेशन संवाद जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, कोई अटक के अपने पास में रख के कोई रोक के संवाद नहीं करना चाहिए। जब मैं किसके साथ में भी पूरा एक्सप्रेस्ड हूँ, सेल्फ एक्सप्रेस्ड हूँ, लोगों के साथ में एक हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दिमाग शांत रहेगा। तो मैंने अभी तक बताया, एक बताया मैंने कि भाई आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, नंबर दो मैंने बताया कि आपका मेडिटेशन आपने करना चाहिए, सेल्फ हिप्नोसिस करना चाहिए, नंबर तीन मैंने बताया कि आपके गोल्स पक्के हैं, नंबर चार है जो एक्सपेक्टेशन जो है अपेक्षा वो नहीं होना चाहिए लोगों से क्योंकि लोग अपेक्षा भंगे ही करेंगे, नंबर पाँच जो है तो आपका संवाद जो है वो एकदम सेल्फ एक्सप्रेस्ड है, क्लियर कट है, दबा के नहीं रख रहे, दबोच के नहीं रख रहे, वो है। नंबर छः, आपके पास में जब कन्फ्यूजन था आपने एक काम जरूर करना, सीधा कागज पेन लेके बैठना है, कागज पेन लेके बैठो कि मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या फायदे है और वही डिसीजन मैंने लिया तो क्या नुकसान होने वाला है। अब देखो फायदा नुकसान तो होने वाला है जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी जिसमें भी आप उलझे हुए हो, तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो तो क्या फायदा है
कोई कितने कितने फायदे, कितने कितने नुकसान है, और जहां भी आपको लगता है कि जो ज्यादा है नुकसान ज्यादा है वो नहीं करना है, फायदे ज्यादा है वो करने का है। तो ये हिसाब से जब आप करेंगे तो काफी उलझन है आपके दिमाग की कम हो जाएंगी और आपका मतलब जो लाइफ है वो ठीक तरह से चलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।